नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। जय श्री स्वामी समर्थ। कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं, क्या कभी हम कामयाब हो सकते हैं? क्या जिंदगी में कभी खुशियां आ सकती है? कभी लगता है मानो सब कुछ खत्म हुआ हो, सभी रास्ते ही बंद हुए हो, और ऐसे विचार के आधार पर हम खुशी जीवन जीने की आस भी छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे कोई उलझनों में फंसे हुए हैं, तो स्वामी की ये लीला आपके ऐसे विचारों को ही बदल देगी। दोस्तों, स्वामी ने केवल लोगों को, भक्तों को मदद ही नहीं की, साथ ही साथ रास्ता भी दिखाया है। क्योंकि स्वामी समर्थ कहते हैं, मैं तुम लोगों को मदद करूं तो इसका अर्थ है केवल एक बाल्टी पानी की दे दूं, पर यदि मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊं तो इसका अर्थ है मैं तुम लोगों को उस नल का पता देने जैसा है जहाँ से एक बाल्टी ही क्या, ऐसे हजारों बाल्टियां पानी आप खुद ही ले सके, और ऐसा केवल एक अवतार ही कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं स्वामी ने किसे और कैसे रास्ता दिखाया है जो पूरी जिंदगी उसे काम आई। अक्कलकोट में आने से पहले स्वामी हिमालय में विचरण कर रहे थे। एक मनुष्य पहाड़ी पर बैठा था, मानो अपने जीवन से ही वो परेशान था, हार चुका था, क्योंकि उसे व्यापार में, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था और वो कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका था। मन ही मन विचार कर रहा था, ऐसे परिस्थितियों से बाहर आने का रास्ता केवल एक ही है, इस पहाड़ी की चोटी से नीचे छलांग मारना, यानी आत्महत्या करना। इतना सोचकर वो पहाड़ी से कूदने ही वाला होता है, तब पीछे से उसे आवाज आती है और वो आवाज होती है श्री स्वामी समर्थ महाराज की। वही स्वामी समर्थ जो दत्त संप्रदाय के चौथे अवतार है, अर्थात दत्त प्रभु के ही स्वरूप, साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश्वर, जय हो प्रभु की। उसने पीछे मुड़कर देखा, तब स्वामी सन्यासी के भेष में उसके सामने थे। स्वामी ने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या मैं कुछ मदद करूं? वो मनुष्य हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, एक सन्यासी मेरी क्या मदद करेगा। स्वामी ने उसे फिर पूछा, क्या मैं कुछ मदद करूं? मनुष्य ने कहा, आप तो क्या इस संसार में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास मरने अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्वामी ने पूछा, ऐसी क्या परेशानी है जिसका कोई भी हल तुम्हें नजर नहीं आता? मनुष्य बोला, मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ और कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ जिनसे कर्ज लिया है? क्या आप देंगे मुझे पैसे? नहीं ना, तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। मनुष्य की पूरी बातें सुनकर स्वामी मुस्कुराए और अपनी बंद मुट्ठी में से 2 सिक्के उसे दे दिए और उसे कहा, ये 2 सिक्के ले लो और मरने का ख्याल मन से निकाल दो। इन सिक्कों से अपना कर्ज चुका दो और 1 वर्ष के पश्चात इसी जगह पर आकर मुझे मेरे सिक्के लौटा देना। सिक्के को साथ लेकर मनुष्य वहां से चला गया, पर चलते चलते वो एक ही बात सोचने लगा कि एक सन्यासी जिसे मैंने कभी भी देखा नहीं, ना ही वो मुझे जानता है, फिर भी उसे मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं 1 वर्ष के बाद आकर उसे सिक्के लौटाऊंगा। एक अपरिचित जो मुझे जानता तक नहीं, मैं सच कह रहा हूं या झूठ, फिर भी 2 सिक्के थमा दिए। जब वो मुझ पर इतना विश्वास कर सकता है, तो क्या मैं खुद पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकता? मनुष्य अपने घर पहुंचा, उसने वो सिक्के संभाल कर रखे और खुद से वादा किया कि वो जी तोड़ मेहनत करेगा और अपना कर्ज चुकाने का पूरा प्रयास करेगा। अगर अपनी 100% मेहनत के बाद भी कर्जा चुका नहीं पाया, तो उस सन्यासी के सिक्कों का उपयोग करेगा तब तक नहीं। इतना दृढ़ निश्चय करने के बाद उस मनुष्य ने बहुत मेहनत की, अपना व्यापार फिर से खड़ा किया और कुछ ही महीनों के अंदर अपने सारे कर्ज चुका दिए। अब इस व्यक्ति को, उस मनुष्य को, उस दिन का इंतजार था जब उसे स्वामी को उन 2 सिक्कों के साथ पहाड़ी पर मिलना था। जैसा वो दिन आया, वो मनुष्य 2 सिक्कों को लेकर पहाड़ी पर पहुंचा। जैसे उसने स्वामी को अपने पास आते देखा, तो ये मनुष्य स्वामी के पास भाग कर गया और कहा, मैंने बहुत मेहनत की और अपने दम पर सारा कर्जा चुका दिया, आपने मुझ पर विश्वास रख 2 सिक्के मुझे दिए थे, मैंने उनका इस्तेमाल भी नहीं किया, ये रहे आपके सिक्के। स्वामी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मनुष्य ने उसका कारण भी पूछा। स्वामी ने कहा, जरा गौर से देखो उन सिक्कों को। उस मनुष्य ने गौर से उन सिक्कों को देखा, वो सिक्के नकली थे।
उनका कोई भी मोल नहीं था। उसने सोचा, जिन सिक्कों के दम पर मैंने अपना कारोबार शुरू किया, असल में ये तो कभी मेरे पास थे ही नहीं। वो मन में सोचने लगा, अगर ये सिक्के मेरे पास नहीं थे तो आखिर मेरे पास क्या था जिनके दम पर मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। स्वामी ने उसके मन की बात जान ली और उसे कहा, वो है तुम्हारा खुद पर का विश्वास। तुमने खुद पर विश्वास किया और उसके आधार पर तुमने अपने परेशानी पर जीत पा ली और मन चाही कामयाबी हासिल कर ली। तुम ये सोचने पर मजबूर हुए कि एक अनजान सन्यासी मुझ पर विश्वास कर सकता है तो मैं अपने आप पर क्यों नहीं। बस यही दृढ़ सोच ने तुम्हारी जिंदगी ही बदली। एक वर्ष पहले तुम क्या थे और एक वर्ष के बाद तुम क्या हो। उस मनुष्य को पहले स्वामी केवल एक अनजान सन्यासी लग रहे थे, पर आज स्वामी के बोल से, स्वामी के विचारों से उसे स्वामी अपने लगने लगे। उसने ये जान लिया, बिना जाने कोई मदद करे तो वो केवल भगवान ही हो सकता है जो मेरी नाराज जिंदगी को खुशियों में बदलने के लिए आया। उसने स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर स्वामी को कुछ दिन अपने घर ले गया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बात कही है, दूसरे अध्याय में 41वें श्लोक में, जो दृढ़ निश्चय वाला और खुद पर विश्वास करने वाला होता है उसे हर परिस्थितियों में अपना लक्ष्य साफ नजर आता है। इसके विपरीत जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला नहीं होता, उसकी बुद्धि अनेक उलझनों की शाखाओं में विचरण करती है और वो अभागा लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाता। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि हर ओर से ज्ञान एक जैसा ही है, चाहे उसे स्वामी कहे या भगवान श्री कृष्ण। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रेरक बातें पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद।